Welcome to SG Inceptions and welcome to the another video of Karnataka Aquarium, in which we are going to show you some rarely available unique species. And ye aapke samne hai ek behad bright eye pleasing green color ka ek iguana, but ye thoda sa alag hai, thoda sa rare hai, kam dikhta hai. Uske bare mein hum janenge Sayed bhai se. तो भाई क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई इसका नाम है, पहले तो मैं इसका नाम बताना चाहूँगा, इसका नाम है लेसर एंटिलियन इगुआना। ओके। और ये लेसर आइलैंड पे रहते हैं, एक आइलैंड है तो ये लेसर आइलैंड पे रहते हैं। ये एक्चुअली जैसे मैं ब्लू केमन इगुआना के बारे में बता रहा था, इंडेंजर स्पीशी है ये, सेम एज इट इज वैसे ही स्पीशी है, इंडेंजर स्पीशी, बिकॉज जो हमारे ग्रीन इगुआनास हैं ये इनके आइलैंड पे घुस के इनको अटैक करके इनकी स्पीशी खत्म कर दी थी। बिकॉज उनको जब खाना नहीं मिल रहा था तो इनको भी खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ये भी एज इट इज ग्रीन इगुआना जैसे ही हैं, एकदम प्योर वेज खाते हैं, तरकारी भाजी पत्ता यही खाते हैं। तो उनके चक्कर में ये भूखे मरने लगे थे उधर, ये बहुत सारे एकदम तादाद में चले गए थे ग्रीन इगुआनास। तो अभी इनका जो स्पीशीज है वो आइलैंड पे तो अभी है नहीं, उनका अड्डा बन गया है ग्रीन इगुआनास का। अच्छा। तो ये पूरे खत्म हो गए, ये तो कैप्टिव में ही है बस, वाइल्ड में तो बहुत आई थिंक एक दो गिने चुने पीस होंगे। और जैसे आप अभी हाथ में मेरे देख सक रहे हैं, वही एंटेलियन इगुआना आज मेरे हाथ में है जी। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत रेयर है, और इसका कलर भी एज इट इज जैसे मैं ब्लू केमन इगुआना का एक्सप्लेन कर रहा था, सेम एज इट इज ये भी कलर चेंज करता है, लेकिन ये ग्रीन कलर से ग्रे कलर होता है। अच्छा। हाँ, ये ग्रीन कलर अभी जैसे आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में ग्रीन कलर रहेगा नहीं, ग्रे कलर में हो जाएगा। आप इधर आपके स्ट्राइप्स देख सकते हैं जो ग्रे कलर में है। यस। ये ग्रे कलर एकदम ग्रे कलर में शिफ्ट हो जाएगा। और इसका फेस देख सकते हैं, कॉमन ग्रीन इगुआना से एकदम बिल्कुल अलग है, इसका राउंड शेप में आता है, स्क्वायर बॉक्स टाइप में। और जो व्हाइट कलर का इधर नॉर्मल ग्रीन इगुआना इसको आता है, इधर व्हाइट कलर जो आता है वो इसको है नहीं। स्पाइक्स भी इसकी थोड़ी अलग दिख रही है। हाँ, स्पाइक्स भी अलग है, और ये बहुत कलर चेंज होने के बाद और ब्यूटीफुल दिखेगा भाई। ओके। और इसमें भी मेरे पास मेल फीमेल दोनों है। अच्छा। और एक ही पेयर है लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल में। तो ये ग्रे स्ट्राइप्स क्या भाई साइन है कि ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है? वाओ, ये तो बहुत दिलचस्प बात है इनकी। और इसका खाना, रहन सहन, रहना, ये पूरा भाई ये सभी बहुत ब्यूटीफुल है, ये होम पेट के लिए बहुत अच्छा है। ओके। बिकॉज ये अटैक नहीं करेगा, और बहुत सारे इगुआना क्या करते हैं टेल से मारते हैं, लेकिन ये ऐसा इगुआना नहीं है, ये बहुत शांत इसका पेट है जी। और इसको आप जैसे टेम करेंगे ये ऐसा एक कॉमन, जैसे डॉग को जैसे टेम करेंगे ऐसे टेम हो सकता है लेसर एंटिलियन इगुआना। और बहुत ब्यूटीफुल है भाई, और आप इसके पैर वगैरह देख सकते हैं, कॉमन ग्रीन इगुआना जैसे ही है। यस। लेकिन इसको जो जैसे परखेगा तभी इसको मालूम पड़ेगा कि ये एंटेलियन है, सभी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एंटेलियन और ग्रीन इगुआना में क्या फर्क है जब ये बच्चे में आ जाएगा। एक्चुअली जब ये बच्चा था तो मैं खुद शॉक हो गया था कि एंटेलियन इगुआना में से ग्रीन बच्चा क्यों निकल आया, ग्रीन इगुआना का बच्चा कैसे आ गया। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि अभी आप देख सकते हैं कि इसका फेस में और इसकी बॉडी कलर में ही पता चल रहा है कि ये एंटेलियन इगुआना। और इसका भाई अगर किसी को पेपर चाहिए एंटेलियन का तो मेरे पास पेपर भी अवेलेबल है, विद पेपर के साथ ही मिल जाएगा एनिमल। okay. और ये सभी इंडेंजर्ड हैं, इसी वजह से विद पेपर रखना ही बहुत अच्छा है हमारे इंडिया में। बिकॉज yes. ये सब चीज़ हमारे इंडिया में देखेंगे तो वो खुद सोचेंगे कि ये छिपकली पाल रखा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों से मैं सुना भी हूँ। तो इस वजह से विद पेपर ही रखेंगे तो बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में इनका बहुत प्यारा क्रेज़ आने वाला है, तो अभी से लीगल रखेंगे तो बहुत अच्छा है। सही बात है। और मैं इनका प्राइसिंग भी बता देता हूँ, इसका जो पेयर का प्राइस है ये 4 लाख रुपीज़ पेयर है। ओके। और विद पेपर अगर ले रहे हैं तो 4,50,000 रुपीज़ है विद पेपर। ओके। तो ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, चाहे कोई भी सिटी में हो तो ट्रांसपोर्ट उधर अवेलेबल हो जाएगा। ग्रेट। बेहद सुंदर है ये लेसर एंटिलियन इगुआना, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कांटेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। और मैं इसी के साथ आपको एक मेरे पास लिजर्ड है, दूसरा लिजर्ड वो मैं अभी बताना चाहूंगा। श्योर।
लेसर इगुआना के बाद अब हम आपको अगला एक्सोटिक एनिमल दिखा रहे हैं, एंड इसकी हाईलाइट है इसकी ये शार्प स्पाइनी टेल। ये देखिए कितने शार्प स्पाइन से इस टेल पर, वाओ ऐसे लग रहा है कि कैक्टस के जैसा ही आइडेंटिकल है कुछ तो। सो क्या नाम है भाई इसका? भाई इसका नाम है स्पाइनी टेल लिजर्ड। ओके। और ये इजिप्शियन में पाया जाता है। ओके। और एक्चुअली इसका फुल नाम है इजिप्शियन स्पाइनी टेल लिजर्ड, और ये डेजर्ट में पाया जाता है। ओके। ये डेजर्ट तरफ रहता है, जैसे बहुत रेती है जी उस जगह पे ये रहता है। ओके। तो इसको रखना भी बालू में रेती में ही है? हाँ, मिट्टी में ऐसे रखते हैं। ओके। वैसे तो रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये इसकी ये जो कांटेदार टेल है ये क्या भाई डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है अटैक करने में? नहीं नहीं भाई, ये ऐसे अटैक करने में तो नहीं है। ओके। बिकॉज ये किसी से लड़ता झगड़ता है नहीं, शांत जानवर है। हाँ, शांत जानवर है। ओह, ये अटैक करने में तो है नहीं। अगर कैसे टाइप में बनाया है तो अल्लाह ने किसी किसी चीज को तो सोच के बनाया होगा जी। बिकॉज हर एक आप इसका जो टेल देख रहे हैं जी, ये हर एक अलग अलग मूवमेंट लेती है जी। जैसे कि जितने आप कर्ड्स देख रहे हैं ये इतने मूवमेंट लेती है। देखिए जी, ये बहुत ही अलग टेल है। ओके। ऐसा दूसरे रेप्टाइल्स में है नहीं। बिकॉज एक डायनासोर हुआ करता था भाई, उसकी टेल ऐसी होती थी और वो अपने ओपोनेंट्स को मारता था अपने टेल से। सही बात है। और एक्चुअली ये जो आप सब रेप्टाइल्स आज देख रहे हैं ना जी, ये सभी डायनासोर प्रजाति ही है। ये डायनासोर के ज़माने के ही हैं, लेकिन ये सब जमीन में छुप के बच गए ऐसे मैं बहुत सुना हूँ। ओके। तो 100% तो मुझे भी पता नहीं है जी, ऐसे बोलते हैं जी। इगुआना को तो कैरिबियन डायनासोर भी कहा जाता है। सही बात है जी। तो ये क्या खाता है भाई? भाई मैं इसको पम्पकिन खिलाता हूँ। ओके। कभी कभार धनिया खिला देता हूँ। अच्छा। और जो नॉर्मल मिलवॉर्म्स आते हैं छोटे वाले जी, वो मिलवॉर्म्स खिलाता हूँ और ये आराम से खाता है। ओके। और डेली मैं इसको वाटर सोकिंग देता हूँ। ओके। पानी में भिगोता हूँ अच्छे से 10-15 सेकेंड के लिए, इसको पानी में डिप करके रखता हूँ। ओके। डिप माने स्विमिंग जैसा नहीं जी, नॉर्मल जैसे इतना एक लेवल पानी हो जाए और गर्दन निकाल के बाहर ऑक्सीजन ले सके, ऐसा मैं इसको पानी डिप करता हूँ। बिकॉज इंडिया के क्लाइमेट में आने के बाद डेजर्ट का क्लाइमेट और इधर कैप्टिव ब्रीड का क्लाइमेट अलग रहेगा। राइट। 100% तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। राइट। इस वजह से ज़्यादा केयर करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। और इसको एनक्लोजर में केज होना चाहिए या टैंक होना चाहिए? भाई मेरा सजेशन है इन्क्लोजर रहना चाहिए, जैसे एक्वेरियम में आता है। ओके। ऐसे इन्क्लोजर रहना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट में बहुत हैप्पी रहता है। और जैसे बंदर करता है वैसे ही सेम ये इसका चलन फिरन है और आदमियों को देखने का तरीका है। अच्छा। और तभी अब अगर हम वैसे रखेंगे ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। ओके। सो क्या प्राइस में मिल रहा है ये? भाई मैं इसका 45,000 रुपीज़ सिंगल पीस रखा हूँ प्राइस। ओके। और ये भी एज इट इज़ देखने के टाइप आपको बेडिए ड्रैगन जैसे ही दिखेगा जी, लेकिन ये बेडिए ड्रैगन नहीं है, स्पैनी टेल लिजर्ड है। ओके। और ये भी एक यूनिक स्पीशीज़ है जी, बहुत बहुत यूनिक स्पीशीज़ है भाई। राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्पाइनी टेल लिजर्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हमने काफ़ी सारे एक्जॉटिक पेट एनिमल्स कवर किए कर्नाटका एक्वेरियम में। आई होप यू एंजॉय माय दिस विजिट ऑफ कर्नाटका एक्वेरियम। सो थैंक यू सो मच भाई, आप हर बार बहुत ही यूनिक एक्जॉटिक रेयर मिलने वाले एनिमल्स दिखाते हो, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप ही इतने सारे अनोखे जानवर दिखाते हो, अनोखे एनिमल्स दिखाते हो। सो एवरी टाइम आई एंजॉय विजिटिंग कर्नाटका एक्वेरियम, कवरिंग अलग अलग पेट्स। कई सारे पेट्स पहली बार भी देखता हूँ लाइफ में, बहुत मज़ा आता है। और जब भी वापस जाता हूँ बहुत खुशी महसूस होती है कि इतना अच्छा चांस मिला कवर करके। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं वो ज़रूर कर्नाटका एक्वेरियम में विज़िट करेंगे, या अपने मनपसंद का जो भी एनिमल उनको लगता है वो ज़रूर खरीदेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप भाई? भाई मैं तो बस कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे अगर किसी को एग्जॉटिक एनिमल में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ बैंगलोर जेपी नगर में मेरा शॉप है, आके विज़िट कर सकते हैं और एनिमल्स आप देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ पसंद आ रहा है तो इधर से ले भी सकते हैं। तो बस भाई इतना ही बोलना चाहूँगा। ऑल राइट भाई, थैंक यू सो मच। सो
That was the spiny tail lizard. Thank you so much for watching and have a wonderful day ahead.